है तो टनल ना यार, टनल से हम गुजरेंगे। ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन PRO। तो भाई सब सोलांग वैली आ चुके हैं, और सोलांग वैली में मतलब यही खास खास नहीं, हाँ यहाँ पर दो तीन एक्टिविटी वगैरह, दो तीन एक्टिविटी, हाँ ठीक है। और जिप लाइन है यहाँ पर, ठीक है ना, इस छोर से आप उस छोर पर एक उसके रस्सी के सहारे है ना रखे जाओगे, ठीक है ना, और ऊपर जाओगे आना जाना। 500 रुपीज़ का चार्ज है, अगर आप आते हो तो घूम सकते हो। इसके अलावा देखो ये रहा माउंटेन स्टोरेज से बोलते हैं, ये भी आप बुक कर सकते हो, एंड इसमें से चार लोग बैठ सकते हैं आराम से, हाँ चार लोग इसमें बैठ सकते हैं आराम से। तो यही 500 to 700 के बीच में इसके चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। सिस्टमेटिक लग रहा है मुझे। बाकी यहाँ पर मैगी वगैरह खाओगे, मैंने मैगी खाई थी अभी फिर पहले, फोटो वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे जो कॉन्सेंट्रेशन था वो खाने पर था, तो इसीलिए। एंड सेकेंड जगह पता ही है, और यहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं इधर, ये ना झूला वगैरह है, और यहाँ पर माउंटेन स्कूटर्स हैं, और यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हो अच्छे से, यहाँ पे जंपिंग वगैरह कूदने उदने के लिए ना, इधर गया कूदने जंपिंग वगैरह है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आओ तो फन कर सकते हो। इसके अलावा देखो बॉल के जब बैठ करके ना, मेरा ये बॉल है और जिप लाइन इधर हो रहा है, दिखाता हूँ आपको। तो देखो भाई साहब ये है जिप लाइन, ठीक है ना, इस छोर से उस छोर तक जाओगे, इसे बोलते हैं जिप लाइन। इसका चार्ज है वो 500 चार्ज है बिल्कुल। एंड इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप यहाँ पे आकर कर सकते हो, एंड काफ़ी फन वाला एरिया है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ठीक है ना। तो भाई साहब आओ यहाँ पर फन करो, और क्या आप चलते हैं फिर आगे की ओर और देखते हैं क्या कैसे कितना चार्जेस वगैरह है। तो 500 तो उन्होंने बता दिया था टिकट वगैरह नहीं होगी, बट यहाँ पर दो जिपलाइन ट्रैक है, एक तो इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। तो शायद अब यहाँ पर सब टिकट नहीं होगा, एक बार फिर भी पता कर लेते हैं और थोड़ा सा घूमते हैं, चल जाएंगे। तो आगे भाई मुझे कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दी, देन दैट्स व्हाई हम वापस जा रहे हैं अब, ठीक है ना। तो ये वीडियो में ये ख़त्म करता हूँ, ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पड़ाव पर अगले दिन, क्योंकि आज का ये ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। सेब जो है हिमाचल से आता है, जानते हो आप।